हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू न्यू चैनल। हाय, माय नेम इज मन्हा शेख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं जा रही थी जेवी नगर कुछ काम से, तो मैंने सोची कि कॉलेज की शॉपिंग भी कर दिया जाए। मुझे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें परचेज करी थी कॉलेज के लिए, जैसे कि कॉलेज बैग हो गया, एक स्लीपर चाहिए था और भी कई सारी चीज़ें मुझे लेने का था। तो वहाँ पर अच्छी वैराइटीज़ में उधर शॉप्स लगते हैं और बहुत सारी शॉप है वहाँ पर। तो मैंने सोची जा ही रही हूँ तो आज मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ से मेन जीबी नगर स्टार्ट होता है और आप लोग देख सकते हो यहाँ से पूरी शॉप्स लाइन से। इधर खाने पीने का भी है, ब्रिजवासी है, बहुत सारी होटल्स है, केक की शॉप्स है और यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी है, ब्यूटी सेंटर। तो पहले पैसा दे देंगे रिक्शा वाले अंकल को और रोड क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से लाइन से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइन से दुकानें हैं, स्टेशनरी की शॉप्स है, ब्यूटी सेंटर है और बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप लोग परचेज कर सकते हो। और ये जो आप लोग को शॉप दिख रही है यहाँ पर, मैं एंटर कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली मैं इधर से स्लीपर खरीदती हूँ। तो इधर मैं क्रॉक्स लेने का सोच रही थी और मुझे एक वाइट कलर पर मुझे एक वाइट कलर का क्रॉक्स पसंद आया, यही मैं पहन के देख रही थी। और बाकी वैरायटी में बात करेंगे तो अभी उन लोगों के पास वैरायटी नहीं है क्योंकि रेनी सीज़न अभी जा रहा है, तो जो है उनके पास अभी न्यू स्टॉक आया नहीं था। तो यहाँ पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था और यहाँ पर मैं क्रॉक्स पहन के देख रही थी पर क्रॉक्स मेरी साइज़ की मिली नहीं थी। तो देन मुझे ये सेकेंड स्लीपर पसंद आया बट इसमें भी मेरी साइज़ नहीं मिली थी, लाइक एक ज़्यादा बड़ी थी और एक ज़्यादा छोटी थी, लाइक मेरी परफेक्ट साइज़ की नहीं थी। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इसकी कलर एंड ऑल, बट क्या कर अभी साइज़ की मिली नहीं। और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, आप लोग देख रहे हो उसके बाजू में भी एक क्रीमिश पिंकिश टाइप कलर है, आई डोंट नो ये कलर को क्या बोलेंगे। तो बट मेरे पैर में ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट द प्रॉब्लम इज़ मेरी साइज मिल ही नहीं रही थी तो मेरा बैड लक चल रहा था। और यार मेरे क्रॉक्स में ही जान अटकी थी बट मेरी मम्मा बोले अभी क्रॉक्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज अभी बारिश का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, तो फिर उसका है नहीं। और मुझे लेना था सनस्क्रीन तो मैं ब्यूटी सेंटर में घुस गई और इधर मैंने लाल शिल्क की सनस्क्रीन परचेज की, वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ज्वेलरीज ये सब थे बहुत अच्छी, लाइक नेल पॉलिश। हैज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू परचेज कॉलेज बैग, तो हम ये दुकान में घुसे कि बाई एनी चांस मुझे कॉलेज बैग मिल जाएगा, बट उनके पास बहुत ज़्यादा छोटा सा बैग था जो कि मुझे नहीं चाहिए ऑब्वियसली बुक्स रखने के लिए, थोड़ा बड़ा बैग ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल। तो यहाँ पर तो नहीं था और ये अंकल ने एक बैग दिखाए थे, ये तो मैं को कलर देख के ही मैंने ना बोलती थी बिकॉज मुझे ना कलर पसंद आया ना कुछ। तो यहाँ पर हमारा पचपा हो चुका था बिकॉज इधर मुझे कोई भी ढंग की कॉलेज का सामान नहीं मिला। देन फिर हमने रिक्शा पकड़े और यहाँ पर नज़दीक में मेरी नानी का घर है, तो हम लोग नानी के घर चले गए थे। एंड जो काम के लिए आई थी वो काम तो हुआ भी नहीं एंड कॉलेज का कुछ मेरे को ढंग से मिला भी नहीं है। अभी देखूंगी मैं अंधेरी जाऊंगी, अंधेरी में बहुत अच्छा कॉलेज का सामान मिलता है, सो आई विल गो समडे और उसका भी ब्लॉग अगर आप लोग को चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक दैट ब्लॉग फॉर यू। और यहाँ पर बस हम फटाफट चले एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड। बस यहाँ पर मेरा एक पचका वाला ब्लॉग बन चुका है, तो यहाँ पर ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।